ओके ओके हेलो, हेलो। सो गाइस आज हम हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और आज आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक हमने एकदम लास्ट में क्यों लिया कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ठीक है तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम देखो अभी तक हमने क्या किया हमने पहले समझा कॉस्ट क्या होता है फिर हमने उसकी समझे उसकी कंपोनेंट्स क्या है मटेरियल कैसा होता है मटेरियल का मटेरियल कॉस्ट कैसे लगती है डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है लेबर क्या होता है हमने एक्सपेंसेस देखे हमने ओवर देखे फिर हमने उसकी कॉस्ट शीट बनाई उसमें हमने पूरा जो भी प्रोडक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है कैसे लग रही है कहाँ पे कितनी लग रही है मटेरियल कितना लग रहा है ओवर कितना लग रहा है ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में समझी तो ये तो हो गया हमारा कॉस्ट कैलकुलेट करना ये तो हो गया हमारा कॉस्ट कैलकुलेट करना लेकिन अब इस कॉस्ट की कहीं ना कहीं अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना हमें ये जो भी खर्चा लगा है हमारा उस खर्चे की कहीं ना कहीं अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना तो वो हम करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में वो हम करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में तो बेसिकली दो तरीके की अकाउंटिंग सिस्टम है आपको कुछ भी लिखना नहीं है अभी आ, आप वीडियो पॉज करके बाद में लिख सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है इसमें हमारा सिर्फ़ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही है हमें अगर जर्नल एंट्रीज अच्छे से पास करते आती है तो ये टॉपिक हमें अच्छे से जम जाएगा तो हम इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे हर जर्नल एंट्री के पीछे का एक लॉजिक समझेंगे ठीक है तो अभी तक हमने क्या किया सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली है लेकिन उसके कहीं ना कहीं अकाउंट फॉर तो करना पड़ेगा ना हमें उसकी अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी तो अकाउंटिंग दो मेथड से करते आएगी एक है इंटीग्रेटेड सिस्टम एक है इंटीग्रेटेड और एक है नॉन इंटीग्रेटेड एक है इंटीग्रेटेड सेकेंड मेथड है नॉन इंटीग्रेट इंटीग्रेटेड ओके okay. अब सर इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो तो होती है उसी के साथ साथ हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी कर लेते हैं उसी के साथ साथ हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी कर लेते हैं उसी के साथ साथ हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी करते हैं तो ऐसे सिस्टम जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर आर टुगेदर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम इसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम वेर एज नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होगा? फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज डन सेपरेटली फाइनेंशियल एंड कॉस्ट इज डन सेपरेटली इज डन सेपरेटली तो ऐसी अकाउंटिंग जिसमें हम फाइनेंस का और कॉस्ट का बुक्स अलग अलग मेंटेन करते हैं फाइनेंस की अकाउंटिंग अलग और कॉस्ट की अकाउंटिंग अलग तो उसे हम कहेंगे नॉन इंटीग्रेटेड और ऐसी बुक्स अगर हम दोनों भी Uh, मतलब हम फाइनेंस की और कॉस्ट की बुक एक का एक साथ ही मेंटेन कर रहे हैं एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं दोनों के लिए तो उसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड कॉस्ट इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम तो ये जो टॉपिक है इसमें कुछ भी नहीं है जर्नल एंट्रीज है इंटीग्रेटेड में क्या जर्नल एंट्रीज होगी नॉन इंटीग्रेटेड में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी और बाद में इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड का रिकन्सिलेशन ऐसे तीन तरीके की ही प्रॉब्लम है इसमें सिंपल है देखो अब देखो हमने क्या देखा है कि हमारे पास होता है कॉस्ट ठीक है अब कॉस्ट की हम कॉस्ट की हम दो तरह से अकाउंटिंग कर लेते हैं एक होता एक होता है हमारा फाइनेंस में हम अकाउंटिंग कर लेते हैं जैसे कि फाइनेंस में भी हम प्रोडक्ट की अ, प्रो, कुछ भी ख़रीदते हैं लेबर को सैलरी पे करते हैं तो उसकी भी हम एंट्रीज पास करते हैं और दूसरा होता है हमारा कॉस्टिंग एक होता है हमारा कॉस्टिंग तो फाइनेंस में क्या करते हैं हम फाइनेंस में हमारी जो नॉर्मल अकाउंट्स पढ़ते हैं हम वो अभी तक जो भी हमने अकाउंट्स पढ़ा फाउंडेशन में इंटर में वो हो गया हमारा फाइनेंस का अकाउंटिंग तो फाइनेंस के अकाउंट जो होते हैं वो हम पूरे क्या करते हैं डिस्क्लोज करते हैं मतलब जो भी यूजर्स है फाइनेंस के आ, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो भी यूजर्स है मैनेजर्स है बैंकर्स है क्रेडिटर्स है लेंडर्स है इन सभी को हमारा फाइनेंस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखते हैं बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस है ना ट्रायल बैलेंस ये सारी चीज़ें ओपन है ये कोई ऐसा छुपाने वाली चीज़ नहीं है डिस्क्लोज होता है जैसे कि अकाउंट देखो फाइनेंस में भी हम कॉस्ट की वैल्यूएशन करते हैं जैसे कि हम करते हैं हम लेते हैं रॉ मटेरियल कोई मटेरियल इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू के जरिए कॉस्ट और कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लोअर तो मतलब हम फाइनेंस में भी कॉस्टिंग कॉस्ट कौ, निकालते हैं फाइनेंस में भी कॉस्ट बताते हैं लेकिन वो कैसी होती है डिस्क्लोज़ होती है वो सभी को पता होती है है ना तो उसमें हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है लॉस कितना हो रहा है हमारे साल भर के सारे ट्रांजेक्शन आ जाते हैं तो वो जैसे कि हम जस्ट कॉस्ट right और एनआरवी विच एवर इज लेस ये एक एग्जाम्पल हो गया ठीक है तो ये किसके लिए होता है जनरली फाइनेंस जो फाइनेंस की बुक्स ऑफ करते हैं ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है ये पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है गवर्नमेंट के लिए होता है टैक्सेज वगैरह के लिए है ना तो ये क्या हो गया पब्लिक के लिए एक्सटर्नल यूजर्स के लिए हम बना रहे हैं। लेकिन कॉस्टिंग में हम क्या किए कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्टिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं जो मटेरियल लगता है कितना मटेरियल लगा लेबर कितना लगा एक्सपेंस कितना लगा ओवरहेड्स कितना लगा हम ये सब चीज़ें इसमें बताते हैं क्या नहीं फाइनेंस में हम नहीं बताते है. तो ये कहाँ होता है ये हमारा कॉस्ट शीट वगैरह में हम निकालते हैं जो कि भाई मटेरियल कितना लगा है लेबर कितना लगा है एक्सपेंस कितना लगा है ओवरहेड्स कितना लगा है ये हम क्या पूरी जनता को बताएंगे क्या नहीं हमारी इंटरनल प्रॉफिटेबिलिटी ये सारी चीज़ें हम पब्लिक एड लाच को बताएंगे क्या नहीं तो इसी का मतलब क्या हुआ कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है ये हमारे लिए है ये ये हमारे इंटरनल यूजर्स के लिए है ये हमारे इंटरनल यूजर्स के लिए होती है ठीक है तो हमने देखा कॉस्ट अकाउंटिंग की दो सिस्टम है एक इंटीग्रेटेड है एक नॉन इंटीग्रेटेड है मैंने अभी तक आपको इंटीग्रेटेड भी नहीं सिखाया नॉन इंटीग्रेटेड भी नहीं सिखाया मैंने आपको ये बोला कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करना है अभी हमने समझा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करना है क्योंकि हम जो फाइनेंस की अकाउंटिंग करते हैं फाइनेंस की अकाउंटिंग कैसी होती है पब्लिक एट लार्ज को पता होती है हमारी बैलेंस शीट वगैरह सब सभी को पता होती है बैंक में जमा करते हैं हम है ना लोन लेने के टाइम पे बैंक में जमा करते हैं या एम के पोर्टल पे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपलोडेड होते बैलेंस शीट वगैरह अपलोडेड होती है तो ये जो होता है ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है लेकिन हमारी इन इनर प्रॉफिटेबिलिटी हमारे फर्म में क्या चल रहा है कौन से कंपोनेंट का कितना कॉस्ट है हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो कॉस्टिंग में रिकॉर्ड करते हैं तो हम कॉस्ट शीट के जरिए हमें वो उसका बाइफर्गेशन होता है लेकिन उसको अकाउंट फॉर कैसे करेंगे उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग करेंगे हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसी है दो है एक है इंटीग्रेटेड और एक है नॉन इंटीग्रेटेड एक है इंटीग्रेटेड एंड अंदर वन इज़ नॉन इंटीग्रेटेड ठीक है ओके अब देखते हैं इसमें होता क्या है तो पहले देखते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम तो इसमें इसमें क्या होता है कि हम फाइनेंस की अकाउंटिंग अलग करते हैं और कॉस्टिंग की अकाउंटिंग अलग करते हैं इससे हम कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग सिस्टम भी कहते हैं नॉन इंटीग्रेटेड का दूसरा नाम है कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग सिस्टम अ स्पेशल फीचर ऑफ़ द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज इट्स एबिलिटी टू डील विथ नोशनल एक्सपेंसेज लाइक रेंट इंटरेस्ट ये सब अभी अभी न्यूमरिकल में हमें समझाया समझ आएगा तो इसमें क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आइटम्स ऑफ अकाउंट्स विच आर एक्सक्लूडेड आर रिप्रेजेंटेड बाई एन अकाउंट नोन एज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट एक इसमें हम अकाउंट बनाते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट तो तो ये क्या होता है देखते हैं तो देखो हम जो नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं नॉर्मल अकाउंटिंग में नॉर्मल अकाउंट्स में हमने फा बचपन से देखते आ रहे हैं तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं एक होता है रियल अकाउंट एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट है ना एक होता है नॉमिनल अकाउंट तो ज़रा वो कैश क्या है कैश रियल मिस्टर ए जिससे हमने प्रोडक्ट खरीदा है वो कौन है पर्सनल मिस्टर सी जिसे हमने प्रोडक्ट सेल किया वो क्या है पर्सनल है ना फिक्स असेट क्या है हमारा रियल अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट है तो इसमें कहीं खर्चे आ रहे हैं क्या नहीं तो पूरे खर्चे कहाँ आ रहे हैं नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो जितने भी खर्चे आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं नॉमिनल अकाउंट में तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में हम क्या करेंगे रियल अकाउंट नहीं लेंगे पर्सनल अकाउंट नहीं लेंगे सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स की बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स की बात करेंगे रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को बिल्कुल इज्जत नहीं देंगे हर एक एंट्री हम नॉर्म नॉमिनल अकाउंट से पास करेंगे हर एक एंट्री हम नॉमिनल अकाउंट से पास करेंगे लेकिन फिर हमारे मन में डाउट आएगा सर डबल एंट्री सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम है तो फिर एंट्री सेटल कैसी होंगी सेकेंड इफेक्ट कहा आ जाएगा जैसे कि हमने कोई एक्सपेंस किया जैसे कि हमने मटेरियल परचेज किया तो हम क्या करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश में लिया तो कैश या क्रेडिट पर लिया है तो टू क्रेडिटर्स है ना तो कैश क्या है रियल अकाउंट है क्रेडिटर्स क्या है पर्सनल अकाउंट है हमें रियल भी नहीं लेना है पर्सनल भी नहीं लेना है हमें तो सिर्फ नॉमिनल लेना है खर्चा जो हो रहा है तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा कहां पे सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा सेकेंड इफेक्ट जाएगा एक हम नोशनल अकाउंट बनाएंगे सेकेंड इफेक्ट ये जो दोनों अकाउंट का जो इफेक्ट है वो कहां जाएगा? जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट ये लाइफ में फर्स्ट बार देख रहे होंगे आप जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट ठीक है या इसे दूसरा नाम है कॉस्ट लेजर कॉस्ट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ठीक है दोनों एक ही है दोनों के नाम अलग अलग है एक ही चीज एक ही अकाउंट के दो नाम है तो जो भी सेकेंड इफेक्ट है सेकेंड इफेक्ट हम कहाँ देंगे सेकेंड इफेक्ट हम देंगे जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इस अकाउंट में हम इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे तो इसीलिए इस सिस्टम को नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम को हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम क्यों क्योंकि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं हम इसमें सेकेंड इफेक्ट हर एंट्री का सेफेक्ट सेकेंड इफेक्ट जो भी जो भी एंट्री में जो भी नाम नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जहाँ पे भी रियल अकाउंट आता है या जहाँ पे भी पर्सनल अकाउंट आता है वो इफेक्ट हम कह देंगे जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट अक्का कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट लेजर्स कौन से तो पहला है कॉस्ट लेजर दिस इज द प्रिंसिपल लेजर ऑफ कॉज डिपार्टमेंट इन विच इमपर्सनल अकाउंट आर रिकॉर्डेड देखो इमपर्सनल अकाउंट्स इमपर्सनल अकाउंट्स मतलब यही अकाउंट्स हैं ना जिन्हें हम इमपर्सनल कहते हैं अकाउंट्स दो तरह के होते हैं एक पर्सनल और एक होता है इमपर्सनल तो जो नॉमिनल है नॉमिनल क्या है नॉमिनल क्या है इमपर्सनल ओके दिस लेजर इज मेड सेल्फ बैलेंसिंग बाय मेंटेनिंग द कंट्रोल अकाउंट फॉर इच सब्सिडेरी अकाउंट एक कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे हम अभी आगे समझ में आएगा तो जैसे कि देखो स्टोर लेजर अकाउंट कॉस्ट लेजर अकाउंट में क्या होगा हम कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे स्टोर लेजर में क्या होगा इट कंटेन एन अकाउंट फॉर इच आइटम ऑफ स्टोर द एंट्रेस इन ईच अकाउंट मेंटेन इन दिस लेजर आई आर वेड फ्रॉम द इनवॉइस मटेरियल रिसीव नोट मटेरियल रिक्विजीशन देखो हम क्या करते हैं जो भी खर्चा हुआ हम कहाँ डालेंगे कॉस्ट में डालेंगे कॉस्ट लेजर में डालेंगे फिर बाद में मटेरियल परचेस करके हम हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करते थे तो वो स्टोर लेजर अकाउंट में जाएगा ठीक है ये एक एक इफेक्ट है दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएंगे कंट्रोल अकाउंट्स में दूसरे जो इफेक्ट्स है दूसरे इफेक्ट्स कहाँ जाएंगे कंट्रोल अकाउंट्स में जाएंगे ठीक है उसी तरह डब्लू और फिनिश गुड्स लेजर जैसे कि मान लो अपना नॉर्मल कॉस्ट शीट होता है नॉर्मल कॉस्ट शीट में क्या होता है नॉर्मल कॉस्ट शीट में हम मटेरियल देखो मटेरियल होता है लेबर होता है एक्सपेंसेस होता है फिर ये हो के प्राइम कॉस्ट होता है फिर इसमें फैक्ट्री ओवर ऐड करते हैं तो ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क uh, कॉस्ट बोलते इसे तो ऐसा धीरे धीरे आके जाता है तो पहले मटेरियल मटेरियल खरीदा तो ये मटेरियल कॉस्ट लेजर में गया फिर मटेरियल के बाद डायरेक्ट फिनिश गुड्स बनता है क्या नहीं फिर उसके आदमी में आई में जाता है तो डब्लू और फिर उसके बाद हमारा आगे फिनिश गुड्स बनता है तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप तो अमाउंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होते चले जाती है इसकी जब ये अभी हम जब जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे तब आपको इसमें और क्लैरिटी आने वाली है तो इसमें देखेंगे प्रिंसिपल अकाउंट्स क्या है प्रिंसिपल अकाउंट्स तो पहला है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट दिस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट दिस अकाउंट इज मेड टू कंप्लीट डब्बल एंट्री डबल एंट्री कम्प्लीट करने के लिए क्यों क्योंकि हम सिर्फ एक ही इफेक्ट दे रहे हैं हम एक ही इफेक्ट दे रहे हैं ना हम सिर्फ नॉमिनल अकाउंट का इफेक्ट दे रहे हैं तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएंगा जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट में है ना जिसका ही दूसरा नाम था कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट जिसका ही तीसरा नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ठीक है दिस अकाउंट इज मेड टू कंप्लीट जनरल एंट्रीज ऑल आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट सेल्स आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट इसमें ध्यान रखना है कि जितने भी खर्चे हैं जैसे कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है तो इसमें जो भी खर्चे हैं वो क्रेडिट होंगे और जो भी इनकम है वो डेबिट होंगी ठीक है इसे अभी आप जब सेकेंड अकाउंट समझोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है तो सेकेंड अकाउंट है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट दिस अकाउंट इज डेबिटेड फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल एंड क्रेडिटेड फॉर द इश्यू ऑफ मटेरियल देखो अब हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू होता है जैसे कि अगर हमने मटेरियल परचेज किया है तो मटेरियल परचेज करने की एंट्री क्या हो जाएगी हमारी अगर मान लो हमने मटेरियल परचेज किया है तो हमारी एंट्री क्या होती है मटीरियल परचेज अकाउंट डेबिट मटेरियल परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू क्रेडिटर्स है ना लेकिन हमने अभी पढ़ा कि हम इसमें रियल और पर्सनल अकाउंट्स नहीं लेंगे मतलब तो कैश तो भी नहीं आएगा क्रेडिटर भी नहीं आएगा इसकी जगह हम क्या लेने वाले थे कंट्रोल अकाउंट इसकी जगह हम क्या लेने वाले थे कंट्रोल अकाउंट तो इसकी एंट्री ये हो गया हमारा फाइनेंस की बुक्स की एंट्री है ना अब इसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में कैसे करेंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट कंट्रोल क्यों लिख रहे हैं हम क्योंकि हमें कॉस्ट कंट्रोल करना है ना हमें हमारे सारे कंपोनेंट्स की कॉस्ट कंट्रोल करना है इसलिए हम हर अकाउंट के आगे कंट्रोल लगाते हैं तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट आई है बात ध्यान में सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाना था कैश में या क्रेडिटर्स में जाना था लेकिन उसको हमने क्या किया जनरल लेजर अकाउंट में जिसको हम दूसरा नाम क्या है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट हमने काय के थ्रू रूट किया कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के थ्रू एक बार इतना कॉपी कर लो आप लोग ठीक है तो पहले हम क्या करते हैं मटेरियल परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या पास करते हैं हम मटेरियल परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश है ना फिर बाद में क्या करते हैं यही मटेरियल हमारा स्टोर्स में जाता है तो सेकेंड एंट्री हमारी क्या होती है जनरली हम इसे स्टोर्स में ट्रांसफर कर देते कैसे ट्रांसफर करते स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू मटेरियल परचेज टू मटेरियल परचेस तो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पेन काम नहीं कर पाता तो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में हम क्या करेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट Just a minute. ठीक है तो इसे हम क्या करेंगे स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट यहां तक समझ में आया क्या यहां तक समझ में आया क्या हमने परचेस किया तो हम क्या करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश तो यहां पे भी वही करेंगे मटेरियल अकाउंट डेबिट मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं कर सकते तो हमने क्या एक इसमें एक नया अकाउंट बनाया कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट तो इसलिए हमने क्या किया टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट फिर यही मटेरियल कहाँ जाता है स्टोर्स में जाता है तो हमने क्या किया मटेरियल स्टोर्स को ट्रांसफर कर दिया स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल हर अकाउंट के सामने हम कंट्रोल लगा रहे हैं क्यों क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को कंट्रोल करना कॉस्ट को कंट्रोल करना ठीक है तो ये हमारा हो गया है अभी अब इसके बाद कई बार क्या होता है कि हमारा काम चालू होता है हमारा कोई काम शुरू होता है और शुरू काम में हमें कोई एकदम से कोई मटेरियल की ज़रूरत हो जाती है तो फिर क्या वापस से हम ऐसा करेंगे कि हम मटेरियल कंट्रोल लेजर अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू फिर टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू मटेरियल नहीं ना हम क्या करेंगे डायरेक्टली डब्ल्यू अकाउंट को डेबिट कर देंगे और स्टोर्स लेजर मिनट रह रहेगा अपना तो देखो, देख लो इसमें देख लेते हैं इसके बुक्स के हिसाब से भी देख लेते हैं हमने परचेज किया फाइव थाउजेंड का कैश में किया या क्रेडिट में किया जो भी किया तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ठीक है फिर इसको स्टोर्स में ट्रांसफर किया तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट ओके बाद में देखते परचेजेज वर्थ रुपीज फाइव हंड्रेड फॉर स्पेशल जॉब हमारा कोई काम चालू था और चालू काम के बीच में हमने खरीद लिया तो क्या करेंगे डब्लू आई पी लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट देखो हमारा कैसा है प्रोसेस वर्क चलता है हमारा कॉस्ट शीट हमने देखा था कॉस्ट शीट में क्या होता है यहाँ मटेरियल वगैरह खरीदते हैं प्राइम कॉस्ट बनती है बन फिर उस पर ओवर होता है फिर फैक्ट्री कॉस्ट होता है फिर एडमिन ओवर होता है फिर कॉस्ट ऑफ़ गुड्स सोल्ड होता है फिर सेलिंग हो वगैरह होता है फिर कॉस्ट ऑफ़ सेल्स होता है तो ऐसे अलग अलग होते हैं तो मटेरियल ऐसा है कि यहाँ से हमने रॉ मटेरियल डाला और यहाँ पे फिनिश गुड्स निकल गया नहीं बीच में होता है डब्लू तो ये मटेरियल के खर्चे स्टोर्स के खर्चे ये सारे खर्चे क्या हो गए सारे खर्चे हमारे जाएंगे डब्ल्यू आई पी लेजर कंट्रोल अकाउंट में डब्लू लेजर कंट्रोल अकाउंट में इतना ही नहीं डब्लू आई पी लेजर कंट्रोल अकाउंट में और क्या आ जाएगा ये तो अभी हमने मटेरियल देखा ठीक उसी तरह लेबर ठीक उसी तरह एक्सपेंस और उसी तरह फैक्ट्री ओवरेज ये सारे भी चीज़ें कहाँ जाएंगी डब्लू अकाउंट से रूट होंगी ये सारी चीज़ें डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट से रूटोंगी डब्लू आई कंट्रोल अकाउंट से अभी जब हम आगे न्यूमेरिकल देखेंगे एक्चुअल में इसकी एंट्रीज पास करके देखेंगे तो अभी क्लैरिटी आएगी ठीक है तो हमें इसकी क्लैरिटी आएंगी बाद में समझो हमने मटेरियल वापस लौटा दिया है तो क्या होगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट जब खरीदा था तो क्या था ख़रीदा था तो स्टोर लेजर था टू कॉस्ट लेजर तो अब वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी वही एंट्री रिवर्स हो जाएगी है ना अब देखते हैं मटेरियल ईशू टू प्रोडक्शन हमने प्रोडक्शन में मटेरियल इशू किया कहाँ से करते हैं स्टोर डिपार्टमेंट इशू करता है तो डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट सिंपल है हमने स्टोर्स को इशू किया इसलिए डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट देखो धीरे धीरे समझना है ये सारी बातें आपको आपके बॉडी में लेनी है जैसे कि अगर आपको सेल्स की परचेस की एंट्री पूछते तो अभी कैसा आप एकदम आंसर दे देते हो क्यों क्योंकि आपने फाउंडेशन में धीरे 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 उसे पढ़ा है ठीक उसी तरह आपको ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी धीरे धीरे पढ़ना होगा धीरे धीरे समझना होगा ताकि इसकी एंट्रीज आपको स्पॉन्टेस स्पॉन्टेनियसली जम जाए है ना तो हम इसलिए ये टॉपिक थोड़ा धीरे धीरे ले रहे हैं बाद में अगर मटेरियल इनडायरेक्ट नेचर का है डायरेक्ट नेचर का है तो डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट में चल जाएगा लेकिन इनडायरेक्ट नेचर का है तो उसको हम क्या करेंगे प्रोडक्शन ओवर हेड कंट्रोल अकाउंट में डालेंगे इनडायरेक्ट नेचर का है तो प्रोडक्शन कंट्रोल ओवर हेड डायरेक्ट नेचर का है देखो मटेरियल अगर डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट है तो में जाएगा डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट इज इट ओके यस इनडायरेक्ट है तो प्रोडक्शन ओवर हेड कंट्रोल अकाउंट इनडायरेक्ट है तो प्रोडक्शन ओवर हेड कंट्रोल अकाउंट इज इट क्लियर समझ में आ रहा है ठीक है अब हमने मटेरियल वर्थ रुपीज टू हंड्रेड रिटर्न फ्रॉम शॉप टू स्टोर हमने देखा था मटेरियल टॉपिक में ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है और ये स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है तो स्टोर्स डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को मटेरियल देता है अब एंड में कभी ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन के पास में कुछ मटेरियल बच गया हो तो वो क्या करता है रिटर्न कर देता है तो रिटर्न करेंगे तो एंट्री रिवर्स स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट मटेरियल वर्थ रुपीज हंड्रेड इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम जॉब वन टू जॉब टू हमने ये भी देखा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी है अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए के पास मटेरियल सरप्लस बच गया वो स्टोर्स में जा रहा था वापस लौटाने के लिए लेकिन रास्ते में उसे डिपार्टमेंट बी मिल गया डिपार्टमेंट बी बोलता अरे क्या कर रहा है ये मुझे दे दे मुझे इसकी ज़रूरत है तो डायरेक्ट मटेरियल जो भी हमारे पास बच गया था वो हम क्या करते डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर करते थे तो उसका एंट्री जॉब टू टू जॉब वन रिसीविंग टू रिसीवर्स अकाउंट डेबिट टू गिवर्स अकाउंट जो डिपार्टमेंट को मटेरियल मिल रहा है उसे डेबिट करो जो डिपार्टमेंट मटेरियल दे रहा है उसे क्रेडिट करो इज एंड इट सिंपल यस मटेरियल वुपीज हंड्रेड इज इश्यूड फ्रॉम स्टोर फॉर रिपेयर रिपेयर्स में जा रहा है मतलब कैसा होगा इनडायरेक्ट मटेरियल होगा तो इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए हम क्या करते हैं प्रोडक्शन ओवर हेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए वॉट वी डू प्रोडक्शन ओवर कंट्रोल अकाउंट कौन सा अकाउंट बनाया हमने प्रोडक्शन ओवर कंट्रोल अकाउंट इशू कौन कर रहा है स्टोर्स डिपार्टमेंट तो स्टोर्स डिपार्टमेंट क्रेडिट हो रहा है ठीक है सिंपल है तो अभी यहाँ हमने जितने भी अकाउंट्स पढ़े हैं वो सारे अकाउंट्स सिंपल थे और लॉजिकल थे ठीक है तो हमने देखा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट अब देखेंगे हम वेजेस की बात कैसे होती है वेजेस कैसे होते हैं डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस तो जो भी वेजेस जो भी सैलरी हम पे कर रहे हैं वो हम कहाँ डेबिट करते थे लेबर अकाउंट लेबर एक्सपेंस को है ना सैलरी अकाउंट एक एक्सपेंस बुक करते थे फाइनेंशियल अकाउंट्स में अब इधर कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे उसका भी एक कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्या बनाएंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट और जितनी भी सैलरी वेजेस के खर्चे हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट में जाएंगे कहाँ जाएंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट में अगर आपको मटेरियल समझ में आ गया है तो आगे वेजेस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इनफैक्ट आगे किसी भी चीज़ में कुछ दिक्कत नहीं जाएगी तो आपको एक बार वीडियो पॉज करना है और इतना पूरा रीड कर लेना है जर्नल एंट्रीज आपको रीड करनी है मतलब मैंने जितना भी अभी पढ़ाया उतनी जर्नल एंट्रीज आपको पढ़नी है तो ही आपको आगे का अच्छी तरीके से समझेगा एल्स दिक्कत जाएगी पढ़ लो एक बार ठीक <coughs> है चलो अब देखते हैं लेबर का लेबर का कैसा होने वाला है जो भी सैलरी हम पे कर रहे हैं डायरेक्ट वेजेस पेड टू वर्कर्स वन थाउजेंड तो क्या होगा वेजेस अकाउंट डेबिट हम सैलरी पे करते तो सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती फाइनेंस में फाइनेंस में हम क्या करते लेबर अकाउंट डेबिट या वेजेस अकाउंट डेबिट है ना टू कैश या हम ऐसा करते हैं जो भी है जैसे जिसे भी हमने सैलरी पे किया चिंटू अकाउंट डेबिट है ना टू कैश क्या बैंक अब यहाँ पे क्या होगा लेबर तो वैसा का वैसा मेंटेन रहेगा लेकिन उसके आगे नाम आ जाएगा वेजेस कंट्रोल लेबर कंट्रोल वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट ठीक है और टू कैश कर सकते हैं क्या बैंक कर सकते हैं क्या नहीं हम यहाँ करेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या करेंगे हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट सेकेंड इफेक्ट कहाँ डालना है हमको जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ठीक है सिंपल है ये थी डायरेक्ट वेजेस की बात और ठीक उसी तरह इनडायरेक्ट वेजेस की बात इनडायरेक्ट वेजेस कैसा होगा वेज़ेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ठीक है जो हमने यहाँ पास किया वही है फिर बाद में हम क्या करेंगे उसको इनडायरेक्ट है तो उसे हम डाल देंगे प्रोडक्शन ओवर हेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल या आप सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते हो हमने देखा था इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट वाला कहाँ जाएगा प्रोडक्शन वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट या आप आ, दोनों भी पास करो तो ज़्यादा अच्छा ही है या सीधा सीधा प्रोडक्शन वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ठीक है बाद में इनडायरेक्ट वेजेस पेड टू वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन तो क्या जब भी वेजेस पे करते हैं तो एंट्री क्या होता है वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल फिर बाद में वेजेस किसका है वेजेस अगर डायरेक्ट डायरेक्ट वेजेस है तो उसको कुछ भी नहीं करेंगे अगर वो इनडायरेक्ट वेजेस है तो उसे प्रोडक्शन का है तो प्रोडक्शन में डाल देंगे अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन का है तो एडमिनिस्ट्रेशन में डाल देंगे सेलिंग का है तो सेलिंग में डाल देंगे तो इसका मतलब वेजेस हमने कोई भी इनकर किया वेजेस कंट्रोल अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे जो भी वेजेस इनकर हुए हमारे वो वेजेस कंट्रोल अकाउंट में चले जाएंगे फिर उसका हम क्या करेंगे अगर कुछ इनडायरेक्ट वाले हैं तो वो प्रोडक्शन ओवर में डाल देंगे प्रोडक्शन ओवर कंट्रोल अकाउंट ठीक है अगर वो एडमिन वाले हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में डाल देंगे और अगर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में डाल देंगे और जो बैलेंस बच जाएगा वो क्या रहेगा हमारा डायरेक्ट वाला ही रहेगा क्योंकि देखो हमने वेजेस कंट्रोल को किस किस से डेबिट किया था येला। हमने वेजेस कंट्रोल अकाउंट को कौन से कौन से वेजेस से डेबिट किया था कौन से कौन से तो पहला देखो हमने डायरेक्ट वेजेस पे किया था उससे डेबिट किया था बाद में इनडायरेक्ट वेजेस पे किया था उससे किया था बाद में एडमिनिस्ट्रेशन वालों के वेजेस से डेबिट किया था बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वालों के वेजेस से किया था अब इसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हम ट्रांसफ़र कर दिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अकाउंट में एडमिन का हमने कर दिया एडमिन ओवर अकाउंट में इनडायरेक्ट काम ने कर दिया प्रोडक्शन ओवर में तो बचा क्या सिर्फ डायरेक्ट वेजेस अकाउंट बचा है तो डायरेक्ट जो भी वेजेस रहेगा वो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट में वो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट में तो ये हमारा हुआ वेजेस अकाउंट ठीक है उसी के साथ साथ हमने ये भी देख लिया मैन्युफैक्चरिंग वाला डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट भी देख लिया इसमें हम क्या करते हैं जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन ओवर ये सारे भी चीजें कहाँ जाएगी डब्ल्यू प्रोसेस में डब्लू कंट्रोल अकाउंट में ये यहां बताया ना अभी देखा था ना अपन ने देखो ये सारी चीजें हमने कहाँ डाला था डब्लू अकाउंट में तो वही चीज़ वो यहाँ बोल रहा है ये सारी चीजें जाएगी कहाँ पे डब्लू लेजर अकाउंट में डब्लू कंट्रोल अकाउंट में ठीक है उसके बाद हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देखा ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन ओवर एड कंट्रोल अकाउंट अब इसके बाद देख और हमने ये भी देखा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अब इसके बाद देखेंगे फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स दिखाया है क्या इन्होंने ठीक है चलो इनके हिसाब से चलते हैं अब देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट में क्या हो रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इनकर किए हमने तो जॉब नंबर जिस पे भी इनकर किए टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ओवर देखेंगे ओवर हेड एक्सपेंसेज इनकर फाइव हंड्रेड अलग अलग है तो ये कैसा होगा प्रोडक्शन ओवर हेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट हमने पहले ही लाइन में देखा कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में किससे क्रेडिट करेंगे हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को पूरे एक्सपेंसेस से क्रेडिट करेंगे तब से हम वही कर रहे हैं मटेरियल खरीदा तो मटेरियल मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट वेजेस पे किया तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ओवर पे कर रहे तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ठीक है हर जगह वही है अब ये सारी जनरलाइज एंट्रीज है अगर ऊपर आपको मटेरियल की और लेबर की समझ गई तो ये आगे की एंट्रीज में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रिपीटेटिव एंट्रीज है लॉजिक अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया है ऊपर तो आगे की एंट्रीज में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं जाने वाली है नेक्स्ट है कैरिएज इनवर्ड तो ये भी क्या है कैरीज इनवर्ड एक तरह का ओवर है तो प्रोडक्शन ओवर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रोडक्शन ओवर रिकवर्ड रिकवर्ड हुआ है तो क्या अगर ये ऊपर की एंट्रेज रिवर्स डब्लू आई पी प्रोसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवर हेड कंट्रोल अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड रिकवर्ड तो ये कहाँ से होता है फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवर हेड उसी तरह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड रिकवर्ड अंडर रिकवरी ऑफ ओवर हेड्स कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड्स अकाउंट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड्स अकाउंट ओवर हेड रिकवरी ऑफ ओवर हेड ओवर रिकवरी ऑफ ओवर हेड तो प्रोडक्शन ओवर हेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये अभी जब आप न्यूमरिकल्स देखोगे उसमें ये एंट्रीज नंबर्स के साथ समझ में आएंगी नंबर्स के साथ समझ में आएंगी तो ओवर हेड में हमने देखा था अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी वो आपको क्लियर होगा सेल्स अकाउंट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस देखो आप हमारा कॉस्टिड पिक्चर में लाओ मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवर हेड्स फैक्ट्री कॉस्ट एडमिन ओवर हेड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड्स सेलिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स बाद में प्लस प्रॉफिट सेल्स प्राइस तो कैसे हो रहा है एक एक आगे जा रहा है हमने इन सब को ऐड किया ये सारा गया हमारा डब्ल्यू आई पी में फिर उसमें हमने एड आई में फिर डब्लू में हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ऐड किया ये गया हमारा फिनिश गुड्स में है ना ऐसा आगे आगे बढ़ते जा रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ प्रॉफिट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इन और इन केस ऑफ लॉस कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है ओके okay. तो ये है था हमारा पिक्चर मटेरियल कंट्रोल लेबर कंट्रोल और ओवरहेड कंट्रोल हमने लाया था डब्लू में ये जो मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था ना मटेरियल कंट्रोल लेबर कंट्रोल एक्सपेंस कंट्रोल ओवरहेड कंट्रोल प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल ये पूरा कहाँ गया डब्ल्यू अकाउंट में इसे हमने क्या किया डब्लू अकाउंट में डाला फिर उसके आगे ही डब्ल्यू आई पी से कन्वर्ट हुआ फिनिश गुड्स में फिनिश गुड्स में एडमिन भी आया उसके बाद में आया कॉस्ट ऑफ़ गुड्स होल्ड उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड हुआ तो उसके बाद आया कॉस्ट ऑफ़ सेल्स कंट्रोल अकाउंट अच्छा इन्होंने यहाँ से दिया वही मतलब सेलिंग ऐड हुआ तो वो आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट उसके बाद आया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट है सिंपल एक बार ऊपर का रीड कर लो हर एक जो भी लेजर अकाउंट दिए हैं उन सब की वो कर लो क्या बोलते रीडिंग कर लो उसकी तेरी ठीक है एक बार इलस्ट्रेशन वन आप खुद से अटैम्प करो ट्राई करो इलस्ट्रेशन वन ट्राई करो एक बार जर्नल एंट्रीज ही पास करना है इलस्ट्रेशन वन ट्राई करो